कारवां तो चल पड़ा है, हाथ बढ़ा के तू भी चल। सबके पास है अब नई ताकत, देश बन रहा है डिजिटल। अपना देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गांव में रहने वाली एक बड़ी आबादी को इसके दायरे में लाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पूरा किया डिजिटल इंडिया ने। और डिजिटल इंडिया के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने वाले हैं VLEs, यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। यही VLEs हैं भारत सरकार के डिजिटल सहयोगी, ग्रामीण भारत में IT इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़। विकलांगता जी, मुझे ये कम से कम 10 साल तक तो मैं चला फिरा, और मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे से छोटी मेरी 3 बहनें भी इसी कंडीशन में आने वाली हैं। ना आधार कार्ड था, ना दूसरे कागज़ हमारे यहाँ। आधार कार्ड भी घर पे आके बनवाया, और दूसरे कागज़ भी मुकम्मल करवाने के बाद फिर इन्होंने हमारी पेंशन बनवाई जी। पेंशन बनने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी जी, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। CSE की खास विशेषता है समाज के कमजोर वर्ग को अपने साथ जोड़ना। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी काफी उत्साहजनक है। अभी लगभग 50,000 VLEs CSE से जुड़ी हुई हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इस अभियान से जुड़ी, तो स्त्री स्वाभिमान की बात तो आनी ही थी। तो सरकार ने इसी नाम से महिलाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय स्तर पर सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। सरकारी स्कूलों से हमने शुरुआत की है, ताकि अगर बच्चों को हम शुरू से ही, जो हमारी बेसिकली गर्ल्स हैं, उनको शुरू से ही इसके बारे में पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो आगे जाके वो हमारे जैसे नहीं बनेंगे कि इस बारे में बात नहीं करनी है। इस बात को ऐसे छुपाया जाता है जैसे कोई बुरी बात, या हमने किसी गंदी बीमारी के बारे में बात कर ली। CSE लोगों तक टेलीमेडिसिन सेवा भी पहुंचाती है। लोग डॉक्टरों से फोन पर अपनी बीमारियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इससे उन महिलाओं को बहुत सुविधा हुई जो पुरुष डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं कर पाती थीं। अब ये महिलाएं निसंकोच डॉक्टर से फोन पर बातचीत कर सकती हैं। डॉक्टर इनसे बातचीत करके सेंटर के जरिए दवा भेज देते हैं। यहाँ पोस्टर देखा तो मैंने यहाँ से दवाई ली, मुझे बहुत आराम मिला। ये CSE महज एक सूचना केंद्र नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 300 तरह की सरकारी सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी करती है। जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि बनवाना, सभी तरह के प्रीमियम जमा कराना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, पेंशन सेवा, ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना, बैंकों से पैसे निकालना या जमा कराना। इस सेंटर से जी बहुत फायदा हुआ। मैं पेंशन लेता हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, और दनकौर जाने में बड़ी परेशानी होती थी। अब यहाँ आने पे आधार कार्ड जो बने हैं, और यहीं पे आधार कार्ड बना, और यहीं से सब कुछ होता है। ये हैं राजस्थान में अलवर जिले के बांसूर की VLE स्नेहलता देवी। वर्षों से ये बंजारा समाज को मुख्य धारा में लाने में जुटी हुई हैं। इन्होंने इस कुमंतु समाज के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया, और अपने इलाके में 50,000 लोगों के आधार कार्ड बनवाए, हजारों गरीबों को सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा। इस VLE की लगातार कोशिशों से अब बंजारा समाज में भी पढ़ाई का महत्व बढ़ा है। मोदी जी का प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन जो है, उसके तहत इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, और इन लोगों को डिजिटल साक्षर किया, फोन वगैरह चलाना सिखाया, किस तरीके से उसको चार्ज किया जाता है। अभी देश के तकरीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में एक न एक CSE जरूर है। इस समय देश भर में लगभग 3 लाख CSE काम कर रहे हैं, और इनमें लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब जब ग्राम पंचायत स्तर तक बदलाव सहयोगी मौजूद हैं, तो स्वाभाविक है कि आम लोगों के जीवन में हुए इस बदलाव को हर कोई महसूस करे। सरकार ने जब साफ नियत के साथ हर किसी के विकास के लिए अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दिया, तो हाशिए पर पड़े करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल।